फिर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल PS क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे जिन छात्रों ने अपने 12th क्लास के फिजिक्स के प्रैक्टिकल से संबंधित अपने चार्ट पेपर पर वन डे ग्राफ जनरेटर का डायग्राम बनाया है, तो हम इस टॉपिक से संबंधित वाइवा में अर्थात छात्रों से पूछे जाने वाले मौखिक सवालों का आज हम जवाब देने वाले हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में बच्चों हम आपको बताएंगे कि इस टॉपिक से संबंधित एग्जामिनर द्वारा आप लोगों से कौन कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं और उन सवालों का आप किस प्रकार से उनको जवाब देंगे। तो स्टूडेंट, वीडियो लेक्चर अगर आप पूरा देखेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपका 100% वाइवा आपका पूरे पूरे नंबरों का होगा, यानी आपका वाइवा में एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो लेक्चर की और समझते हैं बच्चों आज के टॉपिक को। तो स्टूडेंट, टॉपिक है हमारा वन डे ग्राफ जनरेटर से संबंधित मौखिक प्रश्न अर्थात वाइवा के सवाल। तो देखिए स्टैंड, जो इस टॉपिक से संबंधित जो सवाल एग्जामिनर द्वारा आप लोगों से पूछे जाएंगे, मैंने स्क्रीन पर समय बचाने के लिए पहले ही लिख रखे हैं स्टैंड, ठीक है। अब इन सारे सवालों का मैं आपको जवाब भी दूंगा हाथों हाथ, ठीक है। तो चलिए समझाता हूँ आपको बारी बारी से स्टैंड। देखिए, वन डे ग्राफ जनरेटर का डायग्राम तो आप स्क्रीन पर आप स्टैंड देख ही पा रहे हैं कि ये कैसे काम करता है, ये भी मैं बताऊंगा साथ ही साथ इसके सवालों के साथ साथ, यानी सवालों का आंसर भी आपको साथ साथ दूंगा, ठीक है। तो देखिए स्टैंड, अगर स्टैंड आप लोगों से एग्जामिनर द्वारा पूछा जाए कि वन डे ग्राफ क्या होता है, वन डे ग्राफ क्या होता है, देखिए छोटे छोटे सवाल बनाए ताकि आप छोटे छोटे शब्दों में आप एग्जामिनर को सेटिस्फाइड कर सकें स्टैंड, ठीक है। तो क्या देखिए, आपसे पूछा है कि वन डे ग्राफ क्या होता है, जैसे आप चार्ट पेपर आप एग्जामिनर के सामने दिखाएंगे तो आपसे पूछेंगे ये क्या बनाया, ये क्या होता है, ठीक है। तो अब आपका क्या आपको जवाब देना हो इस बात का, ठीक है। तो देखिए स्टैंड, क्वेश्चन को चाहे तो आप इसको अपनी कॉपी में मेरे क्वेश्चन आंसर नोट कर लें और अच्छे से याद भी कर लें, ठीक। क्वेश्चन रहेगा वन डे ग्राफ क्या होता है, देखिए तो आप इसका जो आंसर देंगे, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ आंसर आपको क्या देना है। देखिए स्टैंड, आंसर देंगे कि वन डे ग्राफ एक ऐसा वैद्युत जनित्र होता है या जनरेटर होता है जिसकी सहायता से कुछ मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न किया जाता है। बस में आ रही है, तो आंसर आपको याद रहे, आपसे पूछा जाए कि वन डे ग्राफ क्या होता है तो आप आंसर देंगे कि सर इसकी सहायता से कुछ मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न किया जाता है जो कि बहुत हाई वोल्टेज होता है, ठीक है। बस में आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, दूसरा सवाल बच्चों क्या बन सकता है, देखिए दूसरा सवाल बच्चे का उनसे बनेगा कि वन डे ग्राफ का उपयोग क्यों किया जाता है, यानी अगर इस डिवाइस को बनाया गया, इस उपकरण को बनाया गया, इसको बनाने का पर्पज क्या है, क्या उद्देश्य है, क्या इसका उपयोग है, ठीक है। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि वन डे ग्राफ का यूज हम कहाँ करते हैं और क्यों करते हैं, बस समझ में आ रही है। तो फ्रेंड, आपका जवाब होगा कि वन डे ग्राफ की सहायता से, धनावेशित कणों प्रोटोन न्यूट्रॉन, आप एक ही एग्जाम्पल बता सकते हैं, देखिए एक बार फिर से बता रहा हूँ, आपसे पूछा जाए कि वन डे ग्राफ का उपयोग हम कहाँ करते हैं या कैसे करते हैं, तो आप आज का जवाब देंगे कि वन डे ग्राफ की सहायता से हम धनावेशित कणों जैसे प्रोटॉन न्यूट्रॉन को ठीक है उच्च गतिज ऊर्जा पर त्वरित करने के लिए किया जाता है। बस मैं आप लोगों को एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपसे पूछा जाए कि वन डे ग्राफ का उपयोग हम कहाँ करते हैं, ठीक है स्टैंड, या वन डे ग्राफ का उपयोग क्या है, तो आप जवाब देंगे कि इसकी सहायता से धनावेशित कणों जैसे प्रोटॉन न्यूट्रॉन को उच्च गतिज ऊर्जा पर त्वरित किया जाता है। बस में आप लोग, यानी धनावेशित कणों की ऊर्जा में वृद्धि करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, ठीक है स्टैंड। अच्छा, एंड जो आपका थर्ड सवाल बच्चों बन सकता है, तीसरा सवाल क्या है, वन डे ग्राफ का सिद्धांत क्या है, यानी ये जो आपका उपकरण है बच्चों वन डे ग्राफ, ये इसका प्रिंसिपल क्या है, ये कैसे काम करता है, ठीक है। तो बच्चों, वन डे ग्राफ को जो सिद्धांत है दो घटनाओं पर आधारित है, यानी वन डे ग्राफ का जो सिद्धांत है बच्चों दो घटनाओं पर आधारित है, दोनों को बारी बारी से समझा रहा हूँ, ध्यान से सुने, ठीक स्टैंड। वन डे ग्राफ का जो सिद्धांत दो घटनाओं पर आधारित है, पहला जो घटना है बच्चों वो ये है, देखिए जब किसी खोखले चालक गोले को आवेश दिया जाता है ठीक है, तो उसके विभव में क्या होने लगती है बच्चों, वृद्धि होने लगती है। बस मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब किसी खोखले चालक गोले को आवेश दिया जाता है तो वो आवेश उसके सरफेस पर क्या होता है बच्चों, इकट्ठा होने लगता है, ठीक है, और इसके वोल्टेज में वृद्धि होने लगती है। अगर हम किसी खोखले चालक को क्यों आवेश दें तो उसके चालक के पृष्ठ पर जो विभव होगा बच्चों वो कितना होगा, V=1/4πε0 और Q/R, ठीक है, जहाँ आर क्या उस खोखले गोले की रेडियस है, वो जहाँ क्यों क्या बच्चों उस खोखले गोले को दिया गया चार्ज है। जैसे इसी का डायग्राम को देखो तो इसका ये सेंटर पॉइंट है यानी केंद्र, यहाँ से इसकी जो रेडियस होगी वो आर होगी स्टैंड, ठीक है, और ये जो आप प्लस क्यू देख पा रहे हैं, ठीक है, ये क्या बच्चों इसको दिया गया चार्ज। अभी कैसे आता है इसको मैं अभी क्रियाविधि में आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो एक प्रिंसिपल तो मतलब इसका जो प्रिंसिपल है दो घटनाओं पर आधारित है, पहला तो मैंने आपको बताया, ध्यान से सुने,
कि जब हम किसी खोखले चालक गोले को आवेश देते हैं तो वो आवेश उसके सरफेस पर इकट्ठा होने लगता है, जिससे उसके विभव में वृद्धि होने लगती है। वो विभव कितना होता है बच्चों? इतने वोल्ट के बराबर होता है, ठीक है। और दूसरा बच्चों ये है इसका प्रिंसिपल कि किसी चालक द्वारा आवेश का वायु में वैद्युत विसर्जन, बात को समझें, किसी चालक द्वारा आवेश का वायु में वैद्युत विसर्जन उस चालक के तीक्ष्ण नुकीले स्रोत द्वारा होता है, तीक्ष्ण नुकीले स्रोत द्वारा होता है। चलिए इसको मैं समझाता हूँ। तो दूसरा इसकी जो घटना है बच्चे, इसके सिद्धांत की दूसरी घटना ये है, देखिए यहाँ सिग्मा क्या बच्चों? आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है और Q by A, ठीक है। और ये आपने अपने पहले लेसन में पढ़ा भी होगा ये फार्मूला, ठीक है स्टैंड मित्र, मेरा आपको समझ में आई होगी। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर किसी चालक का क्षेत्रफल बहुत कम है, ठीक है, तो वहाँ पर जो चार्ज की मात्रा होगी बहुत ज़्यादा होगी। बात समझ आप लोगों को, ठीक है। चलिए मैं एक एग्जांपल देकर आपको समझा रहा हूँ कि मान लीजिए मेरे पास बच्चों ये कंडक्टर है, ये कोई चालक है, ये लोहे की बनी हुई कोई सीट है, ठीक है। अब इसके एरिया की बात करूँ तो बच्चों देखो यहाँ पे एरिया आप देख पा रहे होंगे, ये कोई ना कोई एरिया है, ठीक है। और इसके नुकीले स्रोत को देखो, एरिया यहाँ भी है, तो आप देखो कि यहाँ पर जो एरिया बहुत बच्चों ज़्यादा है, ये एरिया बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर एरिया क्या बच्चों? बहुत कम है। तो अगर चार्ज की बात करूँ बच्चों, तो यहाँ पर जब एरिया कम है तो यहाँ पर चार्ज जो होगा बच्चों आपका ज़्यादा होगा, और यहाँ पे एरिया ज़्यादा है वहाँ पे चार्ज जो होगा बच्चों, अगर यहाँ की बात करता हूँ तो यहाँ पे चार्ज क्या होगा बच्चों? कम होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि आपका एरिया अगर कम है, तो उस पॉइंट पर आवेश का जो पृष्ठ घनत्व में सिग्मा का मान जो होगा बहुत ज़्यादा होगा, और जहाँ एरिया ज़्यादा है, ठीक है, अभी मैं चालक के माध्यम से भी समझाऊँगा, तो वहाँ पर क्या होगा बच्चों? आपका जो आवेश का पृष्ठ घनत्व होगा बहुत कम होगा। बस में आप लोगों को तो ये दो फार्मूले बच्चों आपको प्रिंसिपल में आपको एग्जामिनर को बताने हैं कि ये इन दो घटनाओं पर ये कार्य करेगा। बस में आप लोगों को, ठीक है, ठीक है। अच्छा, एंड जो आपका अगला सवाल बच्चों बोलो, अगला सवाल है बच्चों, इसका आविष्कार किसने किया था? देखिए स्टैंड, जो वंडग्राफ है ये जो आपने अपने चार्ट पर बनाया होगा, और आपसे पूछा कि इसका आविष्कार किसने किया था, तो आप बताएंगे इसका जो वैज्ञानिक का नाम है, आपको बता रहा हूँ, आप नोट कर सकते हैं वैज्ञानिक का नाम, देखिए स्टैंड में ऊपर लिख देता हूँ। देखिए वैज्ञानिक ने बच्चों रॉबर्ट जे वान डे ग्राफ। बस में आप लोगों को, यानी इसको जिसने बनाया है, जिसने इसका आविष्कार किया, उनका नाम बच्चों क्या है? रॉबर्ट जे वान डे ग्राफ। और ये कब बनाया था ये भी आपसे पूछ लिया जाता है कि इसका आविष्कार कौन से साल में हुआ था? तो बच्चे इसका जो आविष्कार हुआ था ये बना होता बच्चों आपको 1931 में, यानी 1931 में बच्चों इसको बनाया गया था। इसकी ये डेट भी बच्चों याद रख सकते हैं इस टाइम, ठीक है। तो कौन सी डेट बना था ये? 1931 में इसका आविष्कार हुआ था। किसने किया था? रॉबर्ट जे वॉन्डेग्राफ ने किया था। बस में आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, एंड सेकेंड जो अगला सवाल है बच्चों, चालक C1, देखिए इसके अंदर जो आप डायग्राम देख पा रहे हैं, इसके अंदर दो चालक है, एक बच्चों आपका C1 चालक है और दूसरा आपका बच्चों C2 चालक है, ठीक है। बस में अभी मैं बताऊंगा ये चालक काय के बने होते हैं, ये मैंने क्वेश्चन में लिखा स्टैंड, ठीक है। तो ये सवाल क्या देखिए, और आपसे पूछा जाए स्टैंड कि चालक C1 को कितना वोल्टेज दिया जाता है, यानी इस सिस्टम को जब चलाएंगे तो यहाँ से कितना वोल्टेज देंगे, क्योंकि आप देख पा रहे हो बच्चों यहाँ पर आपका बैटरी जुड़ी है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है, और ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है, और HV का मतलब बच्चों हाई वोल्टेज। क्या बच्चों? HV का मतलब है हाई वोल्टेज। तो कहने का मतलब ये है कि इसका जो इस बैटरी का जो संबंध वहाँ कहाँ से क्या बच्चों? चालक से करा हमने, चालक C1 से करा है, इस वाले कंडक्टर से करा। तो सवाल ये है कि चालक C1 को कितना वोल्टेज दिया जाता है? तो यार ना इस चालक को बच्चों 10,000 वोल्ट पर चलाया जाता है, 10,000 यानी 10^4 वोल्ट, ठीक है, वोल्ट पर इसको बच्चों चलाया जाता है। तो चाहे तो सामने लिख लें, यानी जब इस सिस्टम को चलाते हैं, तो हमें कितना वोल्टेज देना पड़ता है बच्चों? 10,000 वोल्ट, यानी 10^4 वोल्ट पर हम इसको चलाते हैं स्टैंड, ठीक है, जो कि अपने आप में बहुत हाई वोल्टेज है स्टैंड, ठीक है, याद रखें। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, देखिए ये जो आप देख पा रहे होंगे ये एक सिरेहीन डोरी होती है, बच्चों ये जो आप देख पा रहे हैं ना, जो दो घिरनियों पर घूमती है, एक घिरनी होती है बच्चों, इसको P1 कहते हैं, दूसरी घिरनी ये बच्चों P2 कहते हैं, यानी जो चक्की चलती है आटा पीसने वाली, उसके जो पार्ट होते हैं जिस पर जो पट्टा घूमता है, वास्तव में आ रही आप लोगों को, उसी को मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो वही सवाल है, देखिए सिरेहीन डोरी, यानी ये जो आप देख पा रहे हैं जिस पर ये घूम रही होगी, ये मोटर की सहायता से घूमती है बच्चों, कैसे घूमती है? मोटर की सहायता से घूमती है, इधर मोटर लगी होती है जिस तरह इसको घुमाया जाता है, तो ये डोरी ऊपर नीचे इस टाइप से चलती रहती है स्टैंड, ठीक है। तो ये सवाल क्या देखिए, सिरेहीन डोरी किस पदार्थ की बनी होती है बच्चों? तो ये रबड़ की बनी होती है, क्या बच्चों?
रबड़ की बनी होती है। काहे की बच्चों, रबड़ की बनी होती है स्टैंड, याद रखें। सिरेहिन डोरी बच्चों काहे की बनी होती है, रबड़ की बनी होती है। एंड सेकंड क्वेश्चन क्या बनेगा बच्चों, सिरेहिन डोरी को किसकी सहायता से चलाया जाता है, यानी जब इसको चलाएंगे, जब डोरी ऊपर नीचे जाएगी इस टाइप से, तभी तो ये चार्ज ऊपर जाएगा। तो ये किससे चला रहा होता है बच्चों, इसको हम चलाते हैं विद्युत मोटर से। क्या चलाते हैं बच्चों, सिरेहिन डोरी को हम किसकी सहायता चलाते हैं बच्चों, मोटर की सहायता चलाते हैं। कैसे बच्चों, मोटर की सहायता से इसको हम बच्चों चलाते हैं, ठीक है बच्चों आप लोगों को। अच्छा अब आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या देखिए आपसे पूछा है कि ये मतलब वैन डेर ग्राफ, ठीक है, ये आवेशित कणों को कितनी ऊर्जा तक त्वरित कर सकता है, यानी इसकी सहायता से, क्योंकि अभी हमने शुरू में पढ़ा है इसके उपयोग में, किसकी सहायता से क्या होता है, धनावेशित कणों से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को उच्च गतिज ऊर्जा पर त्वरित किया जाता है, तो लगभग कितनी ऊर्जा पर इसको इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन को त्वरित कर देता है बस में आप लोगों को। तो ये वैल्यू जरूर याद रखना बच्चों, आवेशित कणों को कितनी ऊर्जा तक त्वरित कर सकता है, याद रखना बच्चों लगभग 2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक, 2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक ये त्वरित कर सकता है। इस क्वेश्चन का जवाब याद रख लें, ठीक है, आवेशित, क्योंकि उसका मेन उपयोग ही है, मेन उपयोग क्या, आवेशित धनावेशित कणों को उच्च गति से ऊर्जा पर त्वरित करना, तो लगभग कितनी ऊर्जा पर त्वरित कर देता है, लगभग 2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बस में आप लोगों को। तो इस बात को याद रखें स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा सेकंड क्वेश्चन क्या देखिए इसका अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चालक C1 व C2, ये जो आप देख पा रहे हैं ये C1 है, एक चालक बच्चों आपका C2 है, ठीक है, चालक C1 व C2 किस पदार्थ के बने होते हैं, एग्जाम में आप पूछे ये जो आप चालक C1 व C2 आप देख पा रहे हैं किस पदार्थ के बने होते हैं, तो बच्चे ये किसी न किसी मेटल के बने होते हैं, किसी न किसी धातु के बने होते हैं, याद रखना बच्चों किसके बने होते हैं बच्चे, ये किसी न किसी धातु, जैसे लोहा है, कॉपर है, ठीक है बात समझ आ रही है, तो उसके बने होते हैं, ठीक है। अच्छा आगे देखते, देखिए लगभग कितने वोल्टेज पर आवेश का लीकेज वायु में होने लगता है, ठीक है, देखिए ये थोड़ा इसकी मैं इसकी क्रियाविधि को समझाऊं तो यह सवाल आप समझ पाएंगे, लगभग कितने वोल्टेज पर आवेश का लीकेज, लीकेज मतलब क्षरण वायु में होने लगता है। देखिए इसको पहले मैं इसकी क्वेश्चन के रियल फील को समझाऊँ, क्वेश्चन क्या कह रहा है, तब इसका आप सही से आप जवाब दे पाएंगे। तो स्टैंड जब हम इस सिस्टम को चलाते हैं लगभग इतने वोल्टेज देते हैं स्टैंड, ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं बच्चों ये जो आपका चालक C1 है इस बैटरी के कॉन्टैक्ट में, और जब हम बच्चों हम सिस्टम को जब ऑन करेंगे तो ये चालक के अंदर क्या होते हैं बच्चों, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या होते हैं बच्चों, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें नेगेटिव चार्ज होता है, तो इस चालक के जितने भी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन होते हैं, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो किधर आने लगते हैं बच्चों, वो आपके इधर आने लगते हैं, कितना आने लगते हैं बच्चों, वो इधर आने लगते हैं, कौन इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन आकर कहाँ जाते हैं बच्चे, पृथ्वी में चले जाते हैं। तो जैसी बात है इसके अंदर किसकी अधिकता हो जाती है, इसके अंदर बच्चों धनायनों की अधिकता हो जाती है, क्योंकि बच्चों चालक के अंदर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, और क्या होते हैं बच्चों, प्रोटॉन होते हैं, तो प्रोटॉन पर क्या होता है, उस पर तो पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है बस में आप लोगों को। तो इलेक्ट्रॉन इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के जुड़े होने, क्योंकि बच्चों हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर होता है निगेटिव चार्ज, और बैटरी का जो सिरा है, ये जो पॉजिटिव सिरा है, किसके कॉन्टैक्ट में, बच्चों चालक के कॉन्टैक्ट में बस में आ रही है, यानी इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से चालक जुड़ा है, तो सारे निगेटिव इलेक्ट्रॉन किधर आएंगे, प्लस की ओर आएंगे, क्योंकि प्लस माइनस में आकर्षण होता है, और सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ तरेंगे बच्चे, पृथ्वी को आ जाएंगे, क्योंकि बैटरी का कॉन्टैक्ट कहाँ बच्चे, पृथ्वी से है, तो सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं बच्चे, इधर को आते रहते हैं, जबकि ये चालक हो जाता है बच्चों, क्या होता है बच्चों, धनावेशित हो जाता है, क्या होता है बच्चों, धनावेशित हो जाता है, जब इलेक्ट्रॉन के अंदर इसके अंदर कमी होगी तो धनावेशित इसके अंदर ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों जब धनावेश ज़्यादा होगा तो इस चालक में धनावेश रियल में होगा कहाँ बच्चों, वो इस न्यूक्लियस रो पर ज़्यादा होगा। मैंने आपको शुरू में बताया था कि जब न्यूक्लियस रो का एरिया बहुत कम होता है तो वहाँ पर चार्ज बहुत, यानी जो चार्ज होगा, जो प्लस चार्ज होगा, वो कहाँ होगा बच्चे, इन न्यूक्लियस रो पर ज़्यादा होगा, इन न्यूक्लियस रो पर जब चार्ज बच्चों ज़्यादा होगा, और हम जानते हैं कि प्लस प्लस में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, प्लस प्लस में क्या होता है बच्चों, प्रतिकर्षण होता है, तो यहाँ पर जो जब प्लस चार्ज में प्रतिकर्षण होगा तो वो चार्ज प्रतिकर्षित होकर कहाँ जाएगा बच्चों, इस डोरी पर आ जाएगा, किसी डोरी पर आ जाएगा, इस डोरी पर आ जाएगा, और ये डोरी जो बच्चों किसी मोटर की सहायता से निरंतर घूमती रहती है बस में आप लोग को। तो सारा प्लस चार्ज बच्चों इस डोरी के माध्यम से कहाँ जाने लगता है, ऊपर को जाने लगता है, कहाँ जाने लगता है बच्चों, ऊपर को जाने लगता है, ठीक है। अब ऊपर जाने में होता है क्या बच्चे, एक दूसरा चालक लगा होता है C2, दूसरा चालक क्या लगा होता है, C2 लगा होता है, ठीक है। इसका संबंध क्या होता है, किसी बाह्य गोले से रहता है, जो कि खोखला होता है, ठीक है। तो जितना चार्ज बच्चों यहाँ से आता रहता है, ये जो चालक है C2, इस चार्ज को कहाँ ट्रांसफर करता है बच्चों, इस पर ट्रांसफर कर देता है, यानी इस गोले पर ट्रांसफर कर देता है। अब जब जैसे जैसे इस गोले को ट्रांसफर करेगा तो इस पर आवेश की मात्रा लगातार बढ़ती चली जाएगी, ठीक है बस में आप लोगों को। यानी जब इसके अंदर चार्ज जितना ज़्यादा आएगा तो इसके अंदर वोल्टेज ज़्यादा हाई होते चले जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं बच्चों चार्ज जो होता है या वोल्टेज जो होता है बच्चों डायरेक्टली आवेश के समानुपाती होता है। यानी इस गोले पर जैसे जैसे चार्ज की क्वांटिटी बढ़ेगी, ठीक है, ऐसे ऐसे इसका जो विभव बहुत ज़्यादा होता रहेगा, और बच्चों एक स्थिति ऐसी आ जाएगी, इस चालक का विभव इतना ज़्यादा हो जाएगा कि जो चार्ज है इसके पृष्ठ पर न रहकर कहाँ जाएगा बच्चों, यहाँ वायु में आ जाएगा, कहाँ जाएगा बच्चों, वायु में आ जाएगा। तो ये सवाल वही पूछा गया है
देखिए कि लगभग कितने वोल्टेज पर आवेश का लीकेज हो जाता है वायु में, कहाँ? तो याद रखना 10^3 × 6 वोल्ट पर, ठीक है। इसका आंसर मैं यहाँ पे इसके सामने लिखूंगा, कितने वोल्टेज पर क्षण होता है, 3×10^6 वोल्ट जब इस गोले का हो जाएगा बच्चों, ठीक है। कितना मैं एक बार फिर से बताऊँ, 3×10^6 वोल्ट बच्चों जब इस चालक का विभव हो जाएगा, इस चालक का विभव हो जाएगा तो आवेश इस पर न रोकर कहाँ जाएगा, वो वायु में यहाँ पे आने लगेगा, जिसको हमने इस क्वेश्चन के माध्यम से समझाने का प्रयास किया था। बस में आप लोगों को ठीक है, अच्छा याद रखना जो मैंने आपको बात बताई, ठीक है। जब इस गोले का विभव ठीक है 10^3×6 वोल्ट हो जाएगा तो चार्ज जो उसके प्रेशर में रहकर कहाँ जाएगा बच्चों, वायु में आ जाएगा, वायु में ये लीकेज होने लगेगा, जिसकी इस घटना को हम कोरोना विसर्जन के नाम से भी जानेंगे, आगे चल के हम इसको आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। अच्छा अब देखिए स्टैंड नेक्स्ट क्या देखें, विद्युत विभव की परिभाषा। हाँ ये थोड़ा मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिए बच्चों, थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चन बच्चों ऐसे लिए हैं क्योंकि बच्चे जिस लेसन से बनाया गया उस लेसन का आपको नाम पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में पूछ तो ये पूछ लेता है तो अपने टॉपिक से हट जाता थोड़ा, और ये पूछता है ये डायग्राम जो आपने बनाया किस लेसन में है, ठीक है। तो लेसन का नाम याद रखें, क्या नाम लेसन का, अब देखिए उसका नाम है वैद्युत विभव तथा धारिता, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, कौन से लेसन में। अगर एनसीईआरटी की बात करते हैं तो एनसीईआरटी में तो बच्चों ये सेकंड लेसन में आता है, लेकिन अगर हम किसी साइड बुक की बात करें जैसे कुमार मित्तल है या बहुत सारी एक्सीलेंट की बुकें चल रही हैं उसमें ये चौथे लेसन में आता है, तो आप एनसीईआरटी के हिसाब से इसका आंसर देंगे। तो ये कौन से लेसन में आता है बच्चों, ये दूसरे लेसन में आता है फिजिक्स के फर्स्ट बुक के, बस आपको लेसन का नाम क्या, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, ठीक है। आपसे वैद्युत विभव की परिभाषा पूछी जा सकती है, मात्रक पूछा जा सकता है, देखिए मैंने वही लिखा है विद्युत विभव की परिभाषा तथा मात्रक, तो परिभाषा तो बहुत आसान है आप बता सकते हैं, ठीक है। परिभाषा क्या होती है विद्युत विभव की, यानी किसी धन आवेश को या एकांक परीक्षण आवेश को ऐसे बोल सकते हैं, एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को क्या कहते हैं, उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला आप क्या बनाते हैं, विभव का वी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू नोट बनाते हैं, बस समझ आप लोगों को, ठीक है। मात्रक क्या, आज का जूल प्रति कूलम या वोल्ट होता है, विभव का मात्रक क्या होता है बच्चे, जूल प्रति कूलम या वोल्ट होता है, ठीक है। तो याद रखेंगे विद्युत विभव की परिभाषा आपसे पूछ जाती है, मात्रक भी आपका पूछ जा सकता है, तो मात्रक क्या विभव का, जूल प्रति कूलम या वोल्ट। याद रखें धारिता की परिभाषा आपसे पूछी जा सकती है, धारिता की परिभाषा क्या होती है ना, धारिता क्या होती है, किसी चालक को दिए गए आवेश क्यू, किसी चालक को दिए गए आवेश क्यू तथा उसके विभव में होने वाली वृद्धि वी के अनुपात को उस चालक की धारिता कहते हैं, इसे हम सी से प्रदर्शित करते हैं, यानी धारिता का जो सूत्र बनाते हैं बच्चों क्या होता है, सी इक्वल टू क्या होता है बच्चों, क्यू अपॉन वी होता है, बस मैं आप लोगों को ये धारिता की मात्रा क्या, इसका कूलाम प्रति वोल्ट या फैराड, क्या होता है इसका, फैराड। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता रहा हूँ जो इस टॉपिक से ज्यादातर पूछे जाएंगे, क्योंकि इसी लेसन का ये टॉपिक है, ठीक है। अच्छा आगे देखें, स्टील का ये जो आवरण लगा हुआ होता है बच्चों, ये जो आवरण है, ठीक है, चलिए मैं इसको एक्स्ट्रा चीज़ों को साफ कर देता हूँ ताकि मैं और आपको बेटर समझाऊँ। देखिए स्टैंड ये देखिए, तो स्टैंड ये जो बांडे ग्राफ है, जिस पात्र के अंदर बंद है, जिस बर्तन के अंदर ये बंद बच्चों, ठीक है, वो पात्र काय का बना होता है, वो स्टील का बना होता है बच्चों, ये काय का बना होता है, ये जो बच्चों होता है वो आपका स्टील का बना होता है, काय का बना होता है बच्चों, स्टील का बना होता है, ठीक है। अब इसके अंदर कौन सी गैस भरी होती है वो बात देखिए, क्वेश्चन है, देखिए स्टील के आवरण में, यानी ये जो आवरण देख पा रहे हैं जिसके अंदर ये बंद है, ये आवरण क्या बना होता है, स्टील का बना होता है, और इसके अंदर बच्चों गैस भरी होती है बच्चों, क्या भरी होती है, गैस, वो गैस कौन सी होती है बच्चों, देखिए गैस या तो आपको नाइट्रोजन गैस होती है या आपकी मीथेन गैस इसके अंदर भरी होती है, याद रखना इसमें कौन सी गैस भरी होती है बच्चों इस आवरण के में, यहाँ पर ये होती है बच्चों मीथेन या आपकी नाइट्रोजन गैस भरी होती है स्टैंड, ठीक है। तो स्टैंड उम्मीद करता हूँ कि सारे क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे, और वीडियो को एक बार नहीं तो दो बार या तीन बार देख करके उसको क्वेश्चनों को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, बिल्कुल याद कर लीजिए बच्चों। इस टॉपिक से संबंधित बच्चों आपसे यही सवाल पूछे जाने वाले हैं जो मैंने आपको स्क्रीन पर बताए स्टैंड, ठीक है। तो याद रखना अपने टॉपिक से संबंधित कुछ अलग की बातें भी याद कर लें, जैसे कूलाम का नियम है इसको याद करें, प्रतिवेग धारा क्या होती है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में होता है क्या टॉपिक से हटके सवाल पूछ लेता है, ठीक है। बस में हम लोग को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, मात्रक क्या होता है, एक्सेल नोट का मान कितना होता है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें बच्चों आपको याद कर लेनी है स्टैंड, ठीक है। तो इतना अगर आप करेंगे तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपका जो वाइवा है वो अच्छे से हो जाएगा स्टैंड। तो वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिए, कमेंट चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।